19 मई को सातवें और अंतिम चरण में होने वाले चुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गुरुवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ मिलकर आगामी आम चुनाव में भाजपा को हराने में सक्षम है और इसके लिए कांग्रेस जैसी गैर जरूरी ताकत की जरूरत नहीं है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण मेनंदा ने कहा पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 लोकसभा चुनाव बहुत अहम चुनाव है। ये चुनाव घोषणा होने का पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह यादव एक नारा दिया था, 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी देश में नया प्रधानमंत्री लेकर आएंगे और भाजपा को हटाएंगे। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का और लोकदल का जो गठबंधन हुआ, इसमें उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य जहाँ पे 80 लोकसभा सीट और 2014 लोकसभा चुनाव में यहीं से 73 सीट जीत के भाजपा दिल्ली में सरकार बनाया और उत्तर प्रदेश से जीत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। सारा देश आज उत्तर प्रदेश के देख रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से क्या नतीजा आएगा, जो सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ, इसमें सारा हिंदुस्तान में मैसेज चला गया कि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटों से कम 60 से 70 लोकसभा सीट गठबंधन का प्रत्याशी जीत के जाएंगे और गोरखपुर लोकसभा केंद्र में उपचुनाव में हम लोग का जो प्रत्याशी था, जो एक मुख्यमंत्री का लोकसभा चुनाव केंद्र है जहां से मुख्यमंत्री खुद लोकसभा जीता था, उस समय कोई गठबंधन नहीं था, सपा का प्रत्याशी यहां से जीत के सारा हिंदुस्तान में एक मैसेज दिया था जो उत्तर प्रदेश का जनता क्या चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जनता की मांग थी देश से भाजपा को हटाना। इतनी झूठ झूठ बोल के सारा हिंदुस्तान का जनता को धोखा दे के 2014 में भाजपा सत्ता पे आया था। आज हिंदुस्तान का हाल बढ़ का हाल बढ़ इतनी परेशान में है, सब चाहते हैं हिंदुस्तान से भाजपा को हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। इसलिए जनता का मांग थी उत्तर प्रदेश का ये सपा बसपा लोकदल का राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, ये गठबंधन हम लोग कराया हुआ। ये गठबंधन से 60 से 70 सीट जीत के हिंदुस्तान से भाजपा को हम लोग हटाएंगे और नया प्रधानमंत्री हम लोग लेके आएंगे और गैर भाजपा सरकार बनेंगे, ये सुनिश्चित हो गया। और उपचुनाव में गोरखपुर लोकसभा सीट से हम लोग जैसा जीत लिया था, लग रहा है 24-25,000 मार्जिन से जी। इस बार यहाँ का जनता का जो मूड है, लाखों वोट से मार्जिन है, हम लोग का प्रत्याशी गोरखपुर से जीत जाएंगे। बहुमत तो मिल जाएगा हम लोग का, सब एक साथ के बैठ के हम लोग चेहरा बनाएंगे, चेहरा के लिए कोई समस्या नहीं होगा। आज तक जब चेहरा बनाया कोई समस्या नहीं हुआ, सब एक मत से हम लोग चेहरा बनाएंगे। जो है ना, उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरण है, ये जातिगत समीकरण में सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ, इसके 67% जातिगत समीकरण में जनता हम लोग का साथ है। एक संसद का चुनाव जीतने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का गणतंत्र, लोकतंत्र, देश का संविधान, देश का धर्मनिरपेक्षता को बचाने का चुनाव है। ये 5 साल में
लोकतंत्र आज खतरे में है, सेकुलरिज्म बोल के देश में कुछ नहीं है। आज देश का जो हाल तैयार हुआ, जनता ताही ताही डाक चल रहा है। आज प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, इतनी बड़ा घमंड प्रधानमंत्री, कोई किसी का चिंता नहीं है। हिंदुस्तान इतना बड़ा लोकतंत्र है जहाँ इतना बड़ा घमंड प्रधानमंत्री आएगा, इनका बॉडी लैंग्वेज देख कर हम लोग को शर्म लगता है। ये देश का प्रधानमंत्री है, जीत के आया था, इस बार लग रहा है एक भी सांसद जीत के नहीं आएंगे। 2012 में जो विधानसभा चुनाव थे, समाजवादी पार्टी इनके जो मैनिफेस्टो निकाला था, उस समय उत्तर प्रदेश जनता को जो वादा किया था, जिस कारण से 224 विधायक जीत के आए थे, समाजवादी पार्टी का जो मुख्यमंत्री हुआ अखिलेश यादव जी, देश का सबसे बड़ा नौजवान मुख्यमंत्री, एक एक वादा को पूर्ण किया। एक भी वादा ऐसा नहीं है जो 2014 में जो घोषणा पत्र में जो वादा था, एक भी वादा नहीं जो पूर्ण नहीं हुआ था। आज जो घोषणा पत्र में नहीं था, उससे ज़्यादा काम उत्तर प्रदेश विकास के लिए समाजवादी सरकार जो थे, अखिलेश यादव जी का नेतृत्व थे, उससे ज़्यादा काम हुआ। आज 2014 लोकसभा चुनाव में जो वादा भाजपा किया था, एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ। आज चुनाव का समय देखिए, ये 2014 में भाजपा का जो वादा था, एक शब्द उनका बारे में नहीं बोला। क्या हुआ 15 लाख रुपया खाते खाते में आएंगे 100 दिन का अंदर, क्या हुआ 2 करोड़ युवा का नौकरी हर साल में, ये सब कोई बात नहीं है। केवल राष्ट्रवाद ने क्या है, अरे क्या राष्ट्रवाद के लिए हम लोग देशभक्त है, भाजपा से हम लोग को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? ऐसा असर फैलाया, भाजपा जिसको सर्टिफिकेट देगा वही देशभक्त बन जाएंगे। आज देश का सबसे जो विरोधी है भाजपा ही, देश का सबसे विरोधी है, क्या देश का जो मूल स्तंभ है संविधान, और ये भाजपा देश का संविधान का खिलाफ है। आज 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, भाजपा का घोषणा पत्र में जो विकास का बारे में उत्तर प्रदेश जनता को जो बताया था, ये जो योगी का सरकार हुआ ना, एक भी विकास का काम सारे उत्तर प्रदेश में कोई जिला पे कुछ नहीं हुआ, केवल जनता को धोखा देके सरकार में आया। देश का जनता चाहते हैं मोदी को हटाने के लिए, और उत्तर प्रदेश जनता चाहते हैं मोदी योगी दोनों को हटाने के लिए। ये चुनाव में मोदी योगी दोनों हट जाएंगे।